I like the pretzel, dog chicken, and I like the cinnamon with caramel cheese. Even though ये मैंने अपने मुँह में भर रखे हैं, पर मुझे आपको बताना है, आप लोग आके ट्राई करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? I'm sorry for my manners, okay? I am Randhir Pratap Singh. And I am Komal Singh Sira. We are theatre artists with spirits of an adventurer. As a stray, we travel. And as an artist, we live. We are the Stray Artists. What's up, guys? Welcome to Stray Artists. This is Randhir Pratap Singh. And this is Komal Singh Sira. मैं काफी दिनों से जिम नहीं गया. Almost एक हफ्ता हो गया मुझे. मुझे भी same time हो गया. नहीं, मुझे लगता है एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया. हमने सोचा कि हम इतने दिन से सेम जिम जाके थोड़ा सा बोर हो गए थे, हमने न्यू जिम ढूंढा है, हम न्यू जिम की एक वाइब लेने जा रहे हैं और उसमें हमने एडमिशन कराना है, तो हम वहीं जा रहे हैं अभी. तो अभी हम क्योंकि एडमिशन कराने जा रहे हैं एक न्यू जिम में, तो आफ्टर पार्टी तो बनती है. अब देखो, अब जिम जाना होगा तो फिर डाइट भी फॉलो करेंगे, फिर सब फॉलो होगा, तो उससे पहले थोड़ा सा खा सकते हैं लास्ट डे. और ऑनेस्टली बताऊँ तो ऐसे नहीं कि हम फर्स्ट टाइम जिम जा रहे हैं, हम ऑलरेडी जिम जाते हैं, हम जिम जा रहे हैं, तो हम बस ऐसे ही कर रहे हैं. तो हम अभी जिम में अपना एडमिशन करवा कर कुछ एक्स्ट्रा नहीं, हम एडमिशन के बाद ना कहीं कुछ मस्त लास्ट डे या सेकंड लास्ट डे जंक फूड खाने चलते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद हम प्रॉमिस करते हैं कि हम नहीं खाएंगे. ये हमने आपको कभी नहीं खिलाया है, मतलब ये हमने आपको व्लॉग्स में कभी भी नहीं खिलाया है. और एक्चुअली ऑनेस्टली बताया, हमने खुद भी नहीं खाया था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पर है भी, क्योंकि यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें पसंद है वो नहीं होती जनरली. तो चलते हैं यार, अब गर्मी लग रही है. चल गाइज, हमारा एडमिशन तो हो चुका है, हमने आधा काम कर दिया, अब हम देखते हैं कि हम पूरा काम कर पाते हैं कि नहीं, रोज जिम जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो मेन पार्ट है. हम एडमिशन तो हमेशा बहुत एनर्जी से करके आते हैं, पहले दिन बहुत जोश रहता है, दूसरे दिन थोड़ी थकान होती है, तीसरे दिन हमारे जाने का मन नहीं करता. मैं आपको वैसे थोड़ा सा स्नीक पीक देना चाहूँगा अपनी पर्सनल लाइफ में, मैं कभी भी कुछ नहीं बताता, बट आज आपको अपनी पर्सनल लाइफ में एक स्नीक पीक देना चाहूँगा कि जिम से रिलेटेड मेरी कोई कहानी है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई, किसी को भी नहीं बता, एक्सेप्ट मेरी पर्सनल फैमिली के अलावा या फ्रेंड्स के अलावा, किसी को भी नहीं पता. मतलब तेरी और भी फैमिली है? नहीं, मतलब मेरी फैमिली के अलावा और मेरे फ्रेंड्स के अलावा किसी को भी वो कहानी नहीं पता. अभी बताऊंगा भी नहीं, तो अब वो मेरी एक बहुत बहुत ग्रेव कहानी है मेरी खुद की जिम से रिलेटेड. चलो, यहाँ का काम हमारा पूरा हो गया, अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो हम बोल रहे थे ना कि हमने आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया उस चीज़ से, अभी जाके इंट्रोड्यूस करवाते हैं. गाइज, हम आ चुके हैं फीनिक्स मार्केट सिटी मॉल, एंड हम यहाँ पर पहले भी एक दो बार आ चुके हैं. ये हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है और हम यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए नहीं आते. यहाँ पर एक शॉप है जिसका नाम है आंटीज, एंड इट्स अ बेकरी दैट वी लव, एंड वी यूज टू गो टू दैट प्लेस बैक इन आर होम टाउन. तो हम यहाँ पर वैसे जनरली शॉपिंग करने आते थे, तो हमारे को नहीं पता था कि यहाँ पर आंटीज एन है. तो हम एक दिन ऐसे घूम रहे थे यहाँ पर, और यहाँ पर आते आते हमारे को एकदम बहुत अच्छी सी स्मेल आने लग गई, और जब वो स्मेल आई ना, तो हम ऐसे एकदम रुके और हमने देखा यार ये क्या है, और फिर हमारे मुंह पे इतनी बड़ी बड़ी स्माइल आ गई. हमारे को बहुत एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा था कि वो यहाँ पर है, और फिर हमने यहाँ पे बहुत सारे डफ लिए, सिनेमन बंस, और फिर हमारे मुंह पे आई बड़ी बड़ी स्माइल, क्योंकि हम मुंबई में ढूंढ ही जा रहे थे, हमें मिल ही नहीं रहा था आंटीज एन. चलो गाइस, हम जल्दी से आंटीज एन पे चलते हैं, क्योंकि बाकी सारे शटर भी बंद हो रहे, तो हमें लग रहा है कि वो शटर बंद ना हो जाए, हमें खाने को मिल जाए, ऐसा ना हो हमारे मुंह पे शटर बंद कर दे, नहीं जी अब आपको नहीं मिलेगा. क्योंकि हम स्पेशली अपने घर से यहाँ पर इसीलिए आए हैं, आराम से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, हम सिर्फ आंटी जान खाने, और वो नहीं मिलेगा तो हमारा जिम भी हमारे को स्टार्ट करना मंडे से, और फिर मोटापा थोड़ा सा लोड तो कर लें यार, क्योंकि मैं तो पतला हो चुका हूँ. मतलब मैं पतला करूंगी क्या अगर मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो, है ना? Exactly. इसलिए मैं तो इसलिए खाने आई. एक प्रेजल डॉग चिकन चीज वाला, और एक सिनेमन जो कॉम्बो, एक मीठा देख के मन करता है मैं सारा कुछ खा लूँ, सारा एक एक तो खा ही लूँ कम से कम. सो गाइस, मेरे को एक ना कन्फेशन करना है सारे अपने सब्सक्राइबर्स से और हमारी पूरी स्टार्टअप फैमिली से, कि अब हम बॉम्बे नए नए शिफ्ट हुए हैं,
एंड हमारी लाइफ का पूरा फ्लिप हो गया, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम है क्योंकि अभी हमारी फैमिलीज हमारे को बैक उस तरीके से नहीं कर पा रही क्योंकि हमारे जस्ट पीछे नहीं है, वो पीछे वापस दिल्ली में है, तो यहाँ पर अभी मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रहता है एंड हम बहुत सारी चीज़ें भी साथ में वॉक अराउंड करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से हम थोड़े लॉस्ट रहते हैं। हम जब भी अपने घर के आसपास कहीं घूम रहे होते हैं, कहीं आसपास एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, इवन कहीं बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भी जा रहे होते हैं, तो काफ़ी सारे लोग हमारे आसपास से जो कभी निकल रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं, तो उनमें से कई लोग होते हैं जो हमारे को कभी कभी स्माइल कर देते हैं, कभी कभी वेव कर रहे होते हैं। तो रिसेंट टाइम में ऐसा हुआ है कि हमें ना समझ नहीं आता, कल हमारे को एक सरदार जी थे, सॉरी सरदार जी अगर मैंने आपको वापस रिएक्शन नहीं दे पाया, कि वो हमारे को ऐसे स्माइल करके जाते हैं, हाय करते हुए जाते हैं एंड हम लॉस्ट हो जाते हैं, हमें पता लगता है ये हमारे को स्माइल क्यों कर रहा है, फिर हमें आधे घंटे बाद याद आता है अरे यार हम यूट्यूबर भी थे, हमारे को वो इसलिए कर रहा होगा। सच में हम यार डम हो चुके हैं, हमारे साथ 3-4 बार हो चुका है, एक बार हमारे को पहले भी एक बंदा ऐसे वेव करते हुए जा रहा था, आई एम सॉरी उन वाले बंदे, वेव वाले बंदे को और कल वाले सरदार जी को भी, आई एम रियली रियली सॉरी कि मेरे को उस टाइम में याद ही नहीं आता कि आप मुझे स्माइल क्यों कर रहे हो कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, आई एम रियली 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 सॉरी। आज हमारे को एक सब्सक्राइबर मिले हमारे को अभी मॉल में घुसते ही, तो हमने उन्हें अच्छे से ग्रीट किया, बट ये होता है जैसे कभी कभी लॉस्ट होते हैं ना, तो फिर हमारे को हो जाता है यार कि चल ठीक है मिस हो गया, फिर बाद में जाके याद आता है यार शिट कि हम उनसे एक बार हम भी उनको अच्छे से हाय कर देते तो उनको भी अच्छा लगता। आई एम रियली सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम आपको ऐसे हाय बैक ना करें, आई जस्ट वॉन्टेड टू कन्वे द मैसेज दैट कि हमारे एंड पर कोई भी हार्ड फीलिंग नहीं होती, हम हमेशा अपने सब्सक्राइबर को बहुत प्यार से मिलते हैं, आपने हमारे सीरीज़ हमेशा देखी होंगी, बट अभी हम खुद इतने लॉस्ट और इतने ज़्यादा वो रखे हैं कि हमारे को कोई करता रहे हम भूल जाते हैं, अरे हम तो श्रेय आर्टिस्ट हैं ना यार, हमें करना चाहिए, हाँ 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 ऐसे हो जाता है, फिर बाद में रहते शिट मैन वो बंदा स्माइल इसलिए कर रहा होगा यार। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है जब मैं कभी अकेली होती हूँ या रणधीर के साथ ही होती हूँ तो कोई लड़का ऐसे घूर रहा होगा, तो फिर मैं कहूँगी यार क्या घूर रहा है, मैं थोड़ी सी मुँह फटू मैं बोल देती हूँ क्या घूर रहा है ना, या फिर मैं कहूँगी क्यों छेड़ रहा है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में ये हुआ है कि मुझे मैं सोचती रहती हूँ कि इस बंदे ये मेरे को सच में घूर रहा है या फिर ये मेरे को जान रहा है कि अरे शायद इसको कहीं देखा है, शायद ये कहीं यूट्यूब पे मतलब वो पहचान रहा हो कि भाई ये स्ट्रीट आर्टिस्ट से हैं कि नहीं, और इसलिए गलत हो गया तेरे साथ। मैं डिलेमा में पड़ जाती हूँ कि यार ये घूर रहा है या ये मुझे पहचान रहा है, मुझे समझ नहीं आता, इसलिए मुझे अपना मुंह बंद रखना पड़ता है। इस चीज़ में ना कोमल का नुकसान हो गया कि जस्ट इन केस ऐसे टच वुड कभी हो ना, पर अगर इसको कोमल को कभी कोई छेड़ रहा होगा या कोमल को कभी कोई टीज कर रहा होगा तो कोमल को कुछ कह नहीं पाएगी, मैं पता नहीं सब्सक्राइबर ना हो और कहीं बुरा मान जाए। भाई पहचान रहे होता है ना कोई बार, आराम से पहचान के हेलो हाय कर लिया, अगर हम कुछ भी नहीं खाते हमें खुद अच्छा लगता है तुमसे मिलना, तो हम ऐसे तो बंदे नहीं है। तू फेंक दिया ऐसा मुझे। मैं इसकी खुशबू से ना सच में व्लॉग करने में बहुत से बोल रहा है, इसको खा लेते हैं आगे बात करें। बन खा रही हूँ तो मैं बहुत ही तहजीब से खाऊंगी, चपर चपर करके नहीं खाऊंगी। इसके बाद कैरमल के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बिना जज करे ही बहुत ज़्यादा शुगर डाल दी क्योंकि मुझे शुगर खाना अच्छा लगता है, शुगर खाना नहीं मतलब चीज़ों में शुगर कौन खाता है, मतलब खाते थे बचपन में। मैं जनरली ओरिजिनल वाले खाता हूँ बट एक्चुअली मैं कैरमल डाल के बहुत अमेजिंग लग रहा है, सुपर सुपर। मुझे ना ऐसे डेजर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं जो बेकरी के होते हैं, जो ड्राई केक्स होते हैं, मुझे जो मिठाइयाँ होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं लगती और जो पेस्ट्रीज़ होती हैं वो भी बहुत कम पसंद आती है, लेकिन ड्राई केक्स मेरे फेवरेट हैं, मुझे ऐसी अतरंगी चीज़ें ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। यार आज सच में बहुत अमेजिंग लग रहा है, मुझे लग रहा है हमें एक और मंगाना पड़ेगा, एक और मंगाना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा। टू गुड
टू गुड टू बी ट्रू हो गया ये दोस्तों। ये है हमारा प्रेट्ज़ल डॉग चिकन विद चीज, गरम है। ये मेरी चीज है, मुझे ऐसी चीजें भी अच्छी लगती हैं। मैं भी ट्राई करूंगा प्रेट्ज़ल डॉग चिकन। बेसिकली इट्स अ हॉट डॉग रोल्ड इन प्रेट्ज़ल, समझा, इन्फ्यूज्ड विद चीज एंड टेस्ट आल्सो। Damn, this is good, man. Guys, हमने दो सिनेमन और मंगाए और प्रेट्ज़ल डॉग चिकन फिर से मंगा लिया। हम यहीं से पेट भर के जाएंगे। हमने सोचा था कि हम थोड़ा सा खा के चले जाएंगे, पर मैं यहाँ को मतलब रुक नहीं पाता यार, ये प्रॉब्लम है यार। फिर दूर भी पड़ जाता ना, और दूर भी पड़ जाता तो हमें होता कि एक बार आओ तो 2-3 किलो वेट बढ़ा कर ही जाओ। गेट लॉस्ट My dear business. This is business. Oh shit. तुम में से किसी ने देखा मीम? This is business. जिसने देखा है कमेंट सेक्शन में बताओ। ये मैं खा लूंगी फिर मिलेगा नहीं यार। कभी कभी ऐसा होता है कि यार मोटा होने अच्छे, खाते रहो क्यों बेफालतू में एफर्ट करो। क्या रखा है पतला है, कुछ खाने को भी नहीं मिलता। मोटे रहो, ये सब मिलता है। Delicious. किसी ने हमारा स्पीति वाला, भाई किसमें था वो? पता नहीं किसमें था, मुझे खुद भी याद है, इतने सारी वीडियोस। अच्छा आप लोग हमें खुद ना ढूंढ के बताओ, क्या किसी को याद होगा ना, तो एक व्लॉग में ना हमने एशियस ओशियस ऐसा करके किसने बोला है। मुझे याद आ रहा है किसने बोला, पता नहीं, मुझे नहीं आ रहा, सच में नहीं याद आ रहा। आप मुझे बताओ ये किसमें डायलॉग है। मत बताओ मुझे पता लगे, मुझे पता लगे, मुझे याद आ गया। तुम बताओ। अच्छा किस सीरीज में, यही बता दो। अब तो आइडिया लग गया होगा। प्रेशियस प्रेशियस प्रेशियस, ऐसे ऐसे कुछ डायलॉग है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं सोच रहा हूँ मूवी भी देख लूँ, एक शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान लगी हुई है, भूत भी लगी हुई है। अभी हमने नाइव्स आउट देख ली, 1917 देख ली, पैरासाइट देख ली, मैं जितनी भी अच्छी लगी होती मैं सारी देख लेता हूँ। हमने सारी अच्छी अच्छी मूवी इस बार देख लिया। इस बार क्या हमेशा ही देखते बकवास कर रही है, जैसे देखती नहीं है, गरीब है। गाइस जब हम यहाँ पर आए थे तो इस मॉल की एंट्री पर ही हमने एक चीज़ देखी थी, वो है एक वर्चुअल छोटी सी मिनी मूवी टूर। तो अभी कोमल का मन है वो करने का। एक्चुअली मैंने ना कभी करा नहीं है, ये वाला जो आईज में ऐसे मोटा सा चश्मा बना के करते हैं ना, वो वर्चुअल वर्चुअल डिवाइस नहीं होता जिसमें शायद फ़ोन भी लगा सकते हो, और जो अच्छे वाले होते हैं उनमें एक्चुअली में खुद ही डिवाइस होता है, कि मतलब जो सीधा दिखता है। नहीं वो 5D है, उसमें चेयर्स भी मूव करती है, मैंने देखा था। ओहो ओ 8D नहीं है, भगवान के पास नहीं चले जाते? 3D होके आए हो, भगवान की बातें कर रहे हो। मुझे ना वो ट्राई करना है कि, और मैं थोड़ी डाउटफुल भी हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी चश्मा लगा रखा है, और फिर वो अपना चश्मा भी देते हैं लगाने को तो चश्मिश पर्क्स ऑफ बीइंग अ चश्मिश। तो मुझे पता नहीं है वो मैं कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे चश्मा उतारने के बाद तो कुछ भी नहीं दिखता, तो फिर क्या वर्चुअल। इसको चश्मा उतारने के बाद इतना भी नहीं दिखता कि एक दिन ये मेरे बजाय एक अंकल के साथ चली गई थी। दोस्तों हम प्रेट्ज़ल खाने में इतने मस्त हो गए थे कि ना हमारी मिनी मूवी हो पाई और ना हमारी मेन मूवी हो पाई। हाँ मतलब सारे शोज पूरे हो चुके थे, कोई टाइम नहीं बचा था, और मतलब एक टाइम आ रहा था जो 11:30 वाला था, और हम 10 मिनट में कुरला से अंधेरी नहीं पहुंच सकते, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है।
तो कोई नहीं, घर चल के लैपटॉप लगा के घर पे कोई मूवी सेशन करते हैं मस्त। चलो घर चलते, घर पे कुछ ऑर्डर कर लेंगे। ऑर्डर कर लेंगे, मेरे तो पेट फट गया, मैं नहीं खा सकती अब। हमने सोचा था कि हम KFC भी खाएंगे, बट हमने इतने सारे प्रेजल खा लिए ना। वैसे ही दोस्तों, हमारा जो जिम है ना वो मंडे से स्टार्ट है, तो हम कल संडे को भी खा सकते हैं, ठीक है? तो अभी घर चलते हैं, घर चल के अपना मूवी का सेटअप लगाते हैं कोजी सा, और वहाँ पे जाके घर पे जाके मूवी देखते हैं। नहीं मिला शो तो क्या हुआ, अभी संडे है हमारे पास मौज लेने को। आपको हमारे साथ मूवी देखनी है? नहीं। क्यों? घर पे अच्छा सा सेटअप लगाएंगे, कोजी कोजी येलो लाइट जलाएंगे पीछे छोटी वाली, और एक लैपटॉप पे मूवी लगा के पेप्सी की सुस्कियों के साथ मूवी देख लेंगे। उमर लगा रही है हमारा मूवी का सेटअप। ओ भाई बिजनेसमैन। दोस्तों एक प्रॉब्लम होगी, हमने मूवी डिसाइड करते करते ना इतना टाइम लगा दिया सेटअप लगा के कि हमें नींद आ गई, इतना ज्यादा मीठा मीठा खा कर आए थे ना। वो अब डाइजेशन हो रही है ना उसकी, तो हमें प्रोसेसिंग नींद आ रही है। मैंने सोचा था कि हम हैरी पॉटर देखेंगे। हैरी पॉटर फैंस, एनीवन कमेंट डाउन बिलो, डू लेट अस नो कौन कौन हैरी पॉटर का डाई हार्ड फैन है। मतलब हम जब आते आते सोच रहे थे कि हम कौन सी मूवी करेंगे, तो हमने यहाँ पे आके दो चार देखी, हमारे पास कौन सी पड़ी है, हम नेटफ्लिक्स पे कौन सी देख सकते हैं, हम प्राइम पे कौन सी देख सकते हैं। दोस्तों हमने सोचा था हम हैरी पॉटर देखेंगे शुरू से, फिर से इसकी फिर से। मैं तो क्योंकि जो मैंने देखी हुई थी मैं भूल गई, इसलिए मैं शुरू से ही देखूंगी। मेरा तो किसने नहीं देखी हैरी पॉटर, सब नहीं देख रखी हैरी पॉटर, तो बस हमें देखनी थी यार। हम आगे काफ़ी टाइम लगा दिया, और क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, 1:15 हो गए हैं, और अब देखने का मन भी नहीं कर रहा है। मेरा तो अभी भी कर रहा है, नींद आ रही है बस, ये देख जाएगी सोएगी, मैं तो देखूंगा भाई। मुझे नींद बहुत प्यारी है, मैं प्लान्स कभी भी खराब नहीं करता। मैं करती हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करना, इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। कोई भी शेयर नहीं करता है, नो पता नहीं यूट्यूबर्स ये शेयर वाला पार्ट क्यों बोलते हैं। हाँ, मुझे चला जाता है हमारा। अच्छा चलो शेयर कर देना। नहीं मुझे नहीं लगता कि वैसे कोई भी अच्छी वीडियो भी शेयर कोई करता होगा। आई डोंट नो, मुझे लाइक कर देते हैं लोग, सब्सक्राइब कर देते हैं, आई डोंट नो लोग शेयर भी करते हैं कि नहीं, बट बताना मेरे को करते हैं कि नहीं। मेरा ये हमेशा क्वेरी रहती है बिहाइंड द माइंड कि लोग बोलते हैं लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कोई करता भी है? हमें नहीं। आई डोंट थिंक सो। तो हमारे को बस इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे हम अच्छा कंटेंट डालते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। Where do we? Go now.